Hello guys this is geologist ak and i'm here with the topic recombination and hope you are going to understand some unique points in this video which you have never understand before so if you like my video then please thumbs up and subscribe to my channel if you are new to my channel so what are वट इज दिस रिकम्बिनेशन रिकम्बिनेशन इज़ नथिंग बट ए प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डी एन ए आर ब्रोकन एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ एलियट्स क्या होता है जब म्यूसिस प्रोसेस होती है तो उसमें पैकेटिंग स्टेट में जो प्रोफीज आती है वहाँ पर पैटर्नल और मेटरनल जो क्रोमोजोम होते हैं जिसको हम होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं क्यों बोलते हैं होमोलोगस होमोमीन सेम लोगस मतलब लोक, लोकेशन तो होमोलोगस का मतलब होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जैसे मैटरनल क्रोमोसोम है या पैटर्नल क्रोमोसोम है उन पे जो जीन प्रेजेंट होंगे उनकी लोकाई और उनकी उनका जो लोकस है वो क्या होता है सेम होता है उनकी पोजीशन सेम होती है और वो सेम ही फिनोटाइप को इनकोड करते हैं जैसे कि यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जो हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे भी उसी लोकेशन में सिमिलर लोकेशन पे वहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा जो हेयर फिनोटाइप को इनकोड करेगा चाहे फिर वो शॉर्ट हेयर को करो या ब्लैक हेयर को करो करे वो डिपेंड करता है बट जो लोकेशन है वो सेम होती है तो होमोलोगस क्रोमोज़ोम में या डिफरेंट जो मतलब क्रोमोज़ोम है वहाँ पे क्या होता है पीस जो है वो डीएनए का एक्सचेंज होता है स्नेप्सिस फॉर्म होता है हमारा एक क्रोस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें कॉजोनाइट फॉर्म होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम के एक दूसरे के पास आते हैं वो ओवरलैप करते हैं जिसके थ्रू वहाँ पर ब्रेकिंग होती है दोनों क्रोमोजोम के जो सिस्टर क्रोमेटेड है वहाँ पर ये जो क्रोमेटेड स्टैंड है वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा ब्रेक होने की वजह से वो क्या करेंगे वो दूसरे जो सेगमेंट है उसके साथ बाइंडिंग करेंगे और लाइगेशन के थ्रू एक नया रिकम्बिनेंट दे, दे देंगे तो यहाँ पे हमारा रिकम्बिनेशन इज नथिंग बट ए प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए आर ब्रोकन एंड रिकम्बाइंड और कंबाइंड टू तो प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ एलेल्स जैसे हम जानते कि एक जिनको प्रोड्यूस मतलब जो कोड करता है तो टू एलेल होती हैं जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर मैं हेयर कलर की बात करी तो उसको दो एलेल उसको अनकोड करेंगे तो यहाँ पे एक नया कम्बिनेशन देते हैं वो एलेल्स का क्योंकि जो मेटरनल है उसमें भी टू एलेल्स हैं और पैटर्नल में भी टू एलेल्स हैं तो उनमें उनका जो कम्बिनेशन है वो हमारा प्रोजेनी में जाता है डोटो सेल्स में जाता है तो यहाँ पे जब रिकम्बिनेशन होता है उसके थ्रू कुछ नया प्रोडक्ट निकलता है जिसके थ्रू वेरिएशन क्रिएट होती है तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिकम्बिनेशन इन दिस वीडियो तो रिकम्बिनेशन कैसे होता है रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से होता है म्यूसिस के टाइम पे म्यूसिस में जब प्रोफेज होती है तो उसमें पैकेटिंग स्टेज जब आती है तो उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या डिफरेंस है क्रॉसिंग ओवर में और रिकम्बिनेशन में जो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है जो रिकम्बिनेशन होती है वो डिफरेंट कम्बिनेशन देती है एलील्स का किसी भी ऑफ स्प्रिंग में पेरेंटल एलील्स को रिकम्बाइन करके उनको उनकी पोजिशन चेंज करके नया स्ट्रैंड एड करके वो क्या करती है डिफरेंट कम्बिनेशन देती है एलील्स का ऑफ स्प्रिंग में और क्रॉसिंग ओवर क्या है सिंपली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटेड कैसे जैसे ये दो क्रोमोजोम हैं ये इस ये हमारा मेटरनल क्रोमोजोम है ये पैटर्नल क्रोमोजोम है तो मेटरनल क्रोमोजोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो वो पैटर्नल क्रोमोजोम के क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं तो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज करते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है बहुत सारे जीन एक्सचेंज हो रहे हैं तो जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर किसकी हेल्प से होता है स्नेप्सिस की हेल्प से स्नेप्सिस क्या है सिंपली जब दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं और एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्नेप्सिस बोलते हैं मतलब अलाइनमेंट अलाइनमेंट होना किसकी होमोलोगस क्रोमोजोम की होमोलोगस में बात कर चुकी हूँ तो ये दोनों जो मेटरनल पेटरनल क्रोमोजोम है ये होमोलोगस क्रोमोजोम है तो इनमें जब नॉन सिस्टर क्रोमेटेड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं क्रॉस लेग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसको स्नेप्सिस बोलते हैं तो स्नेप्सिस की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटेड इस पर क्रॉस ओवर कर जाता है है ना और रिकम्बिनेशन क्या होता है रिकम्बिनेशन का मतलब है ये जो स्ट्रैंड जो क्रॉस ओवर हुए हैं वो ब्रेक कर जाएंगे और नए स्ट्रेंड के साथ बाइंड करके और वो एक न्यू कम्बिनेशन क्रिएट करेंगे वो रिकम्बिनेशन है तो यहाँ पे जब रिकम्बिनेशन की बात करते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन देता है ऑफ स्प्रिंग में और वो रिपेयर मैकेनिज्म में भी ऐड होता है डबल स्टैंड ब्रेक हो जाता है जब न्यूसिस के टाइम पे उस टाइम में और जो हमारा क्रॉसिंग ओवर है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्रिएट करता है दो क्रोमोजोम के बीच में तो यहाँ पे जो हमारा क्रोमोजोम जो ये रिकम्बिनेशन की स्टडी है वो सबसे पहले किसने की थी ओस्कार हार्टविग ने की थी जो वो स्टडी कर रहे थे सी अर्चिन के एग की इन एटीन हंड्रेड में तो उस टाइम पे क्या हुआ था ये जो उन्होंने डिटेक्ट किया था कि भी रिकम्बिनेशन कोई प्रोसेस होती है म्यूसिस में होती है वो प्रोफेज में होती है तो ये क्या होता है म्यूसिस के टाइम पे जो पेरेंटल क्रोमोजोम है जैसे कि यहां पे शो किया गया पेरेंटल क्रोमोजोम मेटर्नल क्रोमोजोम और पैटर्नल क्रोमोजोम ये क्या करते हैं रिकम्बाइन हो जाते हैं और जेनेटिकली एक रिलेटेड बट यूनिक प्रोजेनी देते हैं अगर हम बात करें यहां पे माइटोसिस की तो माइटोसिस में ये माइटोसिस शो कर रखा है जहां पे नॉन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कोई क्रॉसिंग ओवर हो रही पर म्यूसिस में हो रही है ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे कोई होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती ही नहीं है यहां पे क्या होता है माइटोसिस हमारी सोमेटिक सेल्स में होता है जो भी हमारी बॉडी की सेल्स होती है में होता है तो जो माइटोसिस होता है तो वो हमारी सेल को क्या कर रहा है बार बार रेप्लीकेट कर रहा है और उसका डिवीजन कर रहा है जैसे हमारी ब्लड सेल्स डिवाइड हो रही है या हमारा आ, कोई भी सेल्स हमारी बॉडी में डिवाइड हो रही है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है एक ही सेल का जी जो जीन है डी एन है वो बार बार कंबाइन वो है रेप्लीकेट कर रहा है और वो डिवीजन हो रहा है वहाँ पे क्रोमोजोम मल्टीप्लीकेशन होता है फिर वो डिवाइड हो जाती है बट यहाँ पे कोई होमोलोगस पेयर नहीं हो पेयरिंग नहीं होती क्यों होमोलोगस पेयरिंग कब होगी जब मेटरनल क्रोमोजोम पेटरनल क्रोमोजोम के साथ पेयरिंग करेगा और ऐसा तो तभी होगा जब हमारा जो दो जो सेट हैं या भाई दो न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होंगे और ऐसा कैसे होता है जब हमारा जैसे जाइगोट में होता है ऐसा है ना जाइगोट फॉर्मेशन होती है जब होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है जब दो न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं उसके बाद होता है तो कोई ऑफ स्प्रिंग जब प्रोड्यूस होता है उसी टाइम पर ऐसा होता है तो तभी हमारा क्या होगा म्यू होगा तभी होगी हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग इसीलिए यहाँ पे माइटोसिस में तो कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं होता है बट म्यूसिस में प्रोफेस में होता है रिकम्बिनेशन जब पेरिंग होती है तो क्या होता है ये एक बेसिस बेसिक प्रोसेस है जो कॉमन होती है सभी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग और यू कैरियोर्स में और कुछ प्रो कैरियोर्स में भी हो प्रो कैरियोर्स में भी होती है कंजुगेशन के थ्रू होती है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होती है ट्रांसडक्शन के थ्रू होती है और ये डिफरेंट फेजिज में भी होती है वायरस में भी होती है वायरल जिनोम में भी होती है जिसके हम प्लान जो प्लांट वायरस में बात करते हैं डिफरेंट रिकम्बिनेशन की तो ये रिकम्बिनेशन मोस्टली ओल्ड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में होती है बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल रिकम्बिनेशन की कि कैसे हो रहा है मोस्टली यू कैरियोटिक रिकम्बिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है ना ये सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और वो किस पे हो सकती है किसी भी सीक्वेंस पे हो सकती है क्रोमोजोम के बट वो आ, किस पे नहीं होगी सेंट्रोमर पे नहीं होगा हो क्यों नहीं होगी क्योंकि ये जो सेंट्रोमर रीजन होती है ना ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स के थ्रू और कोसन प्रोटीन्स के थ्रू बाउंड कर रखे होते हैं और प्रोटेक्ट कर रखे होते हैं और ये जो सेंट्रोमर रीजन है ना ये प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं क्रोमोजोम का डोटर सेल्स में और अगर ये प्रॉपर सेग्रीगेशन ना हो क्रोमोजोम का तो वहां पे बर्थ डिफेक्ट हो जाएंगे जैसे ट्राइसोमी हम ट्वेंटी वन की बात करते हैं सोमी ट्वेंटी वन की बात करते हैं वो भी एक बर्थ डिफेक्ट क्रिएट करता है सेम ये बर्थ डिफेक्ट क्रिएट कर देंगे इसलिए प्रॉपर जो सेग्रीगेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जब सेल डिवीजन होता है तो इसलिए यहाँ पे इनहिबिट करी जाता है क्रॉसिंग ओवर इवेंट नियर बाय सिक्वेंस में सेंट्रोमर के और सेंट्रोमर रीजन में और बाकी सारे जितने भी सिक्वेंस uh, प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रोमोजोम में एक्सेप्ट दी सेंट्रोमरिक रीजन वहाँ पर क्या होता है नॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स वो प्रोटीन जो डी क्रोमोसोम की में बाइंड करते हैं इस वजह से किसी भी पॉइंट पे पे और किसी भी सीक्वेंस क्रॉसिंग ओवर इवेंट हो जाता है और ये कैसे होता है डबल बाइंडिंग वो करके क्रॉसिंग ओवर होता तो ये का क्या है, ये ये है कि जैसे ये दो है, तो उन में एक प्रोटीन होता है यहां पर एसपीओ इलेवन जैसे टोपोआइमेज क्या करता है वो oh, क्रिएट होता है या फिर नेगेटिव हेलिकल स्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है उस टाइम पे वो टोर्जनल स्ट्रेस को रिलीव करता है ना ऐसे ही यहाँ पे एस पी ओ इलेवन स्ट्रेस को रिलीव करता है और एक ट्रांजिएंट ब्रेक करता है ट्रांजिएंट ब्रेक होता है एक स्ट्रैंड में ब्रेक करना डबल स्टैंड डी एन है डी के एक स्ट्रैंड में ब्रेक करता है ये जिसकी वजह से जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है दोनों ओवरलैप हो गए स्नेपसिस फॉर्म हो रहा है ये जब ये ओवरलैप करते हैं तो एक क्रोमोजोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है उसमें क्या करता है ब्रेक क्रिएट है sp o 11 जिसकी वजह से ब्रेक होने की वजह से एक 3 प्राइम एंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाता है वो ओपन अप हो जाता है जब वो फ्री 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन अप हो जाता है एक स्ट्रैंड पे तो वो सर्च करता है दूसरा जो इंटैक्ट इंटैक्ट जो मान लो ये एक ब्रेक हो गया इसका ये पार्ट जो है ये ब्रेक हो गया और दूसरा जो इंटैक्ट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड उसके होमोलोग सीक्वेंस को सर्च करता है दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जो दूसरे होमोलोगस में प्रेजेंट है जो पैटर्नल का होगा है ना तो उस पे जब वो देख लेता है कि होमोलोगस सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो अलाइनमेंट कर देता है और उसके साथ बाइंड करके काइमेरिक डीएनए फॉर्म कर देता है और कहीं तो रिकम्बिनेंट फॉर्म कर देता है जो कि यहाँ पर शो किया गया था यो एक जर्नल मैकेनिज्म है ये किसका क्रॉसिंग ओवर इवेंट का तो ये जो मिस्ट्री है कि भाई जो सेंट्रोमर पे रेप्लीकेशन क्यों नहीं होता ये जो है अन रिवेल करी गई सेकेरोमाइसिस पोम्बे में स्टडी करके पोम्बे क्या है हमारी फिजनिस्ट है फिजनिस्ट तो उसमें स्टडी करके ये क्या किया गया रिवेल किया गया कि जो सेंट्रोमर रीजन है उस पर क्या नहीं होता क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और ये किसके थ्रू करेगी स्मिथ एंड नेर के थ्रू स्मिथ एंड एंड स्मिथ एंडियर तो यहाँ पे स्मिथ ने स्मिथ एंड नेबियर ने क्या किया स, आ, जो यहाँ पे आई है उसको क्या लिया एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया और उन्होंने एग्जामाइन करा रोल इंडिविजुअल प्रोटीन कंपोनेंट का क्रोमोजोमल कोहेशन में जो रोल प्ले करते हैं या रिकम्बिनेशन uh, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करते हैं तो उन्होंने एक प्रोटीन uh, डिस्कवर करा स्वी सिक्स एस डब्ल्यू आई स्वी सिक्स ये क्या करता है इसका डूल रोल होता है ये लोकलाइज करता है किसमें पेरिसेंट्रिक रीजन में और क्रोमो जो जो सेंट्रोमर रीजन होता है उस पर यह क्या करता है लोकलाइज करता है बट ये किस पे लोकलाइज नहीं करता आर्म्स पे आर्म्स जो होती है क्रोमोजोम की वहाँ पे ये जो स्वी सिक्स है ये लोकेट नहीं करता जब मियोसिस होता है मियोसिस स्पेसिफिक कोहेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसमें एक प्रोटीन होता है रैक एट रैक एट प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो डिपोजिट हो जाते हैं कहाँ पे आर्म्स पे क्रोमोजोम की आर्म्स में और क्या फॉर्म करते हैं मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं एंड डेट कंटेनिंग आई रैक इलेवन एलोंग विथ क्रोमोजोम आर आर और इट्स क्लोज रिलेटिव पी एस सी थ्री एट पैरिसट्रोमैरिक रीजन पी एस सी थ्री ठीक है पर जब दो कॉम्प्लेक्स जो टू कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं कोहेशन के लिए और वो डिस्टिंक्टली और एक्ट करते हैं और डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस में तो ये जो यूनिक लोकलाइजेशन है किसकी रैक एट की और पी सी एस थ्री कॉम्प्लेक्स की ये किस पे डिपेंड कर रही है ये स्वी सिक्स प्रोटीन पे डिपेंड करती है स्वी सिक्स प्रोटीन पे डिपेंड करती है जो कहाँ लोकलाइज करता है सेंट्रोमर रीजन पे और सेंटर में लोकलाइज करता है इस पे डिपेंड करती हैं जो कंटेन करता है एक रिकॉग्नाइजेशन मॉडल जिसको क्या बोलते हैं क्रोमोडोमेन ये कैसे बाइंड करता है स्वीसिक्स क्रोमोडोमेन की हेल्प से क्रोमोडोमेन की हेल्प से जो लोकेलाइज करते हैं डीएनए रीजन को जो किस में रिच होगा जो इनरिच होगा पेंट्रास पे, पेरीसेंट्रोमेरिक स्पेसिफिक हिस्टोन मोडिफिकेशन में और वो क्या होगी एच थ्री के नाइन मिथाइलेशन होगी जो क्या है यहाँ पे स्टोन थ्री जो है उस पर यहाँ पे, पे नाइन जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उस पर मिथाइलेशन हो रही है तो ये इसको क्या करेगा रिकॉग्नाइज करेगा पेरिसेंटोमेरिक रीजन में और रिक्रूट करेगा किसको रिक्रूट करेगा ये रिक्रूट करेगा रैक एट पी सी एस थ्री को किस पे पेरिसेंटोमेरिक रीजन में और इंश्योर करेगा कि प्रॉपर क्रो को, क्रोमोजोम कोहशन हो और जिसकी वजह से एक्यूरेट क्रोमोजोम सेग्रीगेशन हो बट सेम टाइम पे क्या होता है रैक जो इलेवन होता है रैक इलेवन रैक इलेवन जो प्रोटीन होता है वो लोकलाइजेशन कर जाता है वहाँ पे और जो रैक प्रोटीन जो रैक इलेवन प्रोटीन है वो सेवरल अदर प्रोटीन के साथ भी कंसर्ट करता है और वो किसको एक्टिवेट कर देता है एस पी ओ इलेवन को एक्टिवेट कर देता है जो क्या करता है डबल स्ट्रेंड ब्रेक करता है है ना ये तो रिकम्बिनेशन करता है तो रैक वन इलेवन किसको एक्टिवेट करता है एस पी ओ इलेवन को तो ये क्या इंड्यूस कर देता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक बट जो पी एस सी थ्री है पी एस सी थ्री जो है वो अपनी एक्टिविटी क्या कर देता है लूज कर जाता है इसलिए क, uh, जो रैक एट और रैक इलेवन कॉम्प्लेक्स uh, हैं क्लो क्रोमोजोम की आम के अलोंग वो एक्टिवेट करते हैं एस पी ओ इलेवन को जिसकी वजह से आर्म्स पे तो क्या होती है रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है बट जो रैक एट और एस Uh, और रैक एट और पी एस सी थ्री जो है ये क्या करते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं स्वी सिक्स के थ्रू स्वी सिक्स के साथ सेंट्रोमेरिक और पैरोसेंट्रोमेरिक रीजन में जिसकी वजह से ये एस पी ओ इलेवन की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं सेंट्रोमर पे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या नहीं होती क्रॉसिंग ओवर नहीं होती सो दिस इज़ द जर्नरल मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये यहाँ पे जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है वो क्या करती है जनरेट करती है कम्बिनेशन किसका एलिल्स का विदिन इ क्रोमोजोम जैसे हम देख सकते हैं कि लिंक्ड जीन प्रेजेंट है पेयर ऑफ होमोलोग क्रोमोजोम पे होमोलोग जो क्रोमोजोम है वहां होमोलोग क्रोमोजोम क्या होते हैं जहां पे जीन की सेम लोक जो जीन्स होते हैं डिफ पैटर्नल क्रोमोजोम पे या मेटरनल क्रोमोजोम पे दोनों पे, पे, तो पे सेम लोकस में प्रेजेंट होते हैं तो लिंक्ड जीन क्या होते हैं लिंक्ड जीन वो होते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है है, तो उस टाइम पे वो लिंक जिन एक साथ

यहाँ पे ट्रांसजेंट ब्रेक किया जा रहा है किसके थ्रू एस पी ओ वन के इलेवन के थ्रू जो क्या करता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करता है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसजेंड ब्रेक हो रहा है और होमोलोगस सीक्वेंस के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है नया स्ट्रैंड ट्रांसफर किया जा रहा है और जिसकी वजह से रिकम्बीनेंट जीन फॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट काइंड का गैमिट फॉर्म हो रहा है ऑफ में और डोटर सेल्स में

इस एलील पे डिपेंड नहीं करती अपने सेग्रीगेशन के लिए दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं बट जो ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये क्या कहता है कि रेंडम अशोटमेंट हो रही है एलील्स की बट कुछ पार्ट होता है और कुछ पेयर होते हैं जीन्स के जो डेविएशन शो करते हैं इस सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल से और वो क्या कहते हैं कि जो जीन लिंक्ड होते हैं क्रोमोजोम पे वो फॉलो नहीं करते इस मेंडल को और मैंडल के सेकेंड लॉ को और ये क्या है लिंक्ड का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे दो क्रोमोजोम प्रेजेंट है एक ये क्रोमोजोम प्रेजेंट है और एक ये क्रोमोजोम प्रेजेंट है ठीक है तो यहां पे दो जीन हैं जो बहुत ही पास में प्रेजेंट है ठीक है और यहाँ पे जब ये दो तो जीन बिल्कुल नियर बाई प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे लिंक्ड जीन और जब इस नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के साथ है, इसकी क्या होगी क्रॉसिंग ओवर होगी ओवरलैप होगा तो ये जो दोनों जीन हैं जो बिल्कुल नियर बाई प्रेजेंट है वो यहाँ पे दूसरे नॉन जो होमोलोगस क्रोमो सॉरी होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटेड पर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा नए जो नया स्टैंड होगा उसमें जाके ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये लिंक्ड जीन है साथ में ट्रांसफर होंगे पर अगर ये डिस्टेंटली लोकेटेड जीन होते तो ये एक जीन ही ट्रांसफर होता जब क्रॉसिंग ओवर होती तो उसको इनकम्प्लीट लिंकेज बोला जाता तो यहाँ पे जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो वो मैंडल के सेकेंड लॉ को क्या नहीं करता फॉलो नहीं करता अस अंडरस्टैंड दिस विद एन लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ऑफ़ पेरेंट्स जहाँ पे वो दोनों पेरेंट्स क्या हैं हिट्रोजाइगस हैं और वो कंसिस्ट करते हैं वाइल्ड टाइप एल एल ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और एक होती है म्यूटेंट ए नेगेटिव बी नेगेटिव तो जब भी होमोलोगस रिकम्बिनेशन होगा म्यूसिस के टाइम पर तो एक न्यू क्रोमोजोम यहाँ पे जनरेट होगा और वो क्या हो सकता है पॉसिबल केस क्या होगा यहाँ पर ए पॉजिटिव क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करेगी ए पॉजिटिव बनाएगी ये बी पॉजिटिव बनाएगी ये ए नेगेटिव बनाएगा बी नेगेटिव बनाएगा तो इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट क्या होगी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव और क्या होगी बी पॉजिटिव ए नेगेटिव यही कम्बिनेशन आ सकता है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है एक न्यू रिकम्बिनेंट क्रिएट हो रहा है पर जो रिकम्बिनेशन है वो क्या है एक असेंशियल पार्ट है म्यूसिस का और जो साइट है रिकम्बिनेशन की एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे वो वेरी करती रहती है सेल टू सेल बट जो प्रोबेबिलिटी है क्रॉसओवर की वो दो जीन के बीच में बीच में और जेनेटिकोम आर रिवेल्ड मेटिंग बिटवीन द हिड्रोजाइगसेंट हिट्रोजाइगरेंट क्या है यहाँ पे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो कि वाइल्ड टाइप है और ए नेगेटिव बी नेगेटिव जो कि म्यूटेंट है एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव क्या क्या है पे A B B और A B B तो यहाँ पे और तो we'll -er तो 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 जो हैं वो करी जा रही के उनमें उनमें होगा होगा एक या या फिर mutant से यही हमें रिवेल हो रहा है से जब ये हमारे पास रिजल्ट आता है तो हम यही रिवेल कर सकते हैं कि एक पेरेंट तो वाइल्ड टाइप होगा और एक पेरेंट म्यूटेंट होगा तो और जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो जीन ए और बीच के बी के बीच में हो रही है जिसकी वजह से जो रिकमेंट क्रोमोसोम है वो आइदर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आ रहा है या फिर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव आ रहा है तो जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ओनली ए नेगेटिव बी नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे रिसेसिव पेरेंट्स थर्स जो प्रोजेनी है उसमें क्या देखा जा सकता है कि जो ऑफ स्प्रिंग है डिटरमाइंड बाई वन ऑफ द क्रोमोजोम इन द हिटोज आई दर वाइल्ड टाइप ए एंड बी और म्यूटेंट टाइप ए और बी हाव आर सम ऑफ द प्रोजेन वाइल्ड टाइप ए एंड ए म्यूटेंट बी एंड ए म्यूटेंट ए और वाइल्ड टाइप बी यही शो करेंगी क्रोमोजोम है फ्राम दिस क्रॉस ओवर दे विल प्रोड्यूस्ड ए जीनोटाइप ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव तो जो फ्रीक्वेंसी है विद विच वन सी दिस प्रोजेनि विद नॉन पेरेंटल फिनोटाइप क्योंकि पेरेंटल फिनोटाइप नहीं हो रहा है यहाँ पर तो उस वजह से क्या हो रहा है ये जो नॉन पेरेंटल फिनोटाइप आ रहा है वो रिलेटेड है उनकी डिस्टेंस से रिलेटेड टू देयर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोजोम दिस मेजर ई रिफर टू एज जेनेटिक डिस्टेंस और रिकम्बिनेशन डिस्टेंस जो क्या डिफाइन करेगी रिकम्बिनेशन प्रोसेस को होता है यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे क्रोमोजोम ट्रांसमिट करे जाते हैं मदर से एंड फादर गैमेट से है ना एग और स्पम की फॉर्म में और वो प्रोड्यूस करते हैं एक जेनेटिक कम्बिनेशन और एक नॉर्मल क्रॉस ओवर के थ्रू वो कह देते हैं प्रोजेनी दे देते हैं और एक डोटर सेल्स दे देते हैं और क्या होते हैं नॉर्मल गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं उस प्रोजेनी के थ्रू क्योंकि उसमें क्या है, होता है पैटर्नल भी नॉर्मली प्रेजेंट होता है मैटरनल भी प्रेजेंट होता है पर कई बार क्या होता है यहाँ पर इंटरफेरेंस क्रिएट कर दी जाती है किसके थ्रू ये जो क्रॉसिंग ओवर है जो नॉर्मली हो रही है ये यह यहाँ पर अनलकली जो है डिफेक्टेड फॉर्म में कर दी जाती है और वो किसके थ्रू की जाती है सेल्फिस जीन है और ट्रांसपोर्ट जोन के थ्रू ट्रांसपो जोन्स क्या होते हैं जंपिंग जीन होते हैं जो रेप्लीटिव प्रोसेस के थ्रू जंप करते रहते हैं जिनोम में एक साइ एक जो जिनोमिक साइड है उससे रेप्लीकेट करके दूसरे जिनोमिक साइड पर तो जब ये ट्रांसपोर्ट जोन जो है रेप्लीकेटिव जब रिकम्बिनेशन होता है उस टाइम पर यह ट्रांसपोर्ट जोन इंटरफेयर कर जाते हैं और अनइक्वल एक्सचेंज करते हैं इन क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का जिसके थ्रू क्या है नॉर्मल गैमेट नहीं फॉर्म हो पाते तो ये क्या कर देता है मिक्स कर देता है किसको जो सेल्फिस डी है वो एंटर कर जाता है मिक्स में मिक्स क्या मेटरनल गैमेट में और जो पेटर्नल गैमेट का जो मिक्सचर था जो इक्वल मिक्सचर फॉर्म हो रहा था उसमें यहाँ पे कौन एंटर कर गया ट्रांसपोजोन तो वो मिक्सचर क्या हो गया गड़बड़ा गया और अब क्रॉसिंग ओवर कर दी उसने वे डिलीशन और इंजर्शन क्रोमोसोम in जिसकी वजह से बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं और जो गैमेट है वो ड क्या करते क्या है एबनॉर्मल फॉर्म होते हैं ठीक है जिसकी वजह से अनइक्वल जो है एक्सचेंज होता है गैमेट्स का तो यहाँ पे क्या होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफरेंट क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाते हैं डिफरेंट बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं एविडेंस ऑफ रिकम्बिनेशन एविडेंस ऑफ रिकम्बिनेशन कहाँ से आए जब हमने मैकेनिज्म को स्टडी किया रिकम्बिनेशन के प्राइमरी किसमें में जैसे किस्में सेकेरोमाइसिस से उसमें स्टडी किया फिलामेंटियस फंगस एस्कोमाइटिस में जो स्टडी किया और बैक्टीरिया में किया जो फंगस का जो मियोसिस है और उस टाइम पर जब तो रिकम्बिनेशन होता है तो काफी हद तक सिमिलर होता है प्लांट्स के और एनिमल्स के इसलिए हम फंगस को प्रेफर करते हैं स्टडी करने के लिए यूकैरियोटिक रिकम्बिनेशन बट जब एंजाइमेटिक और बायोकेमिकल स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो आ, कंबिनेशन है यू काफ़ी हद तक सिमिलर है बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन के तो जो यहां पे जो डायग्राम शो किया गया वो एस्कोमाइट का शो किया गया जो कि एक फंगस है तो इसकी स्टडी से बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बाहर निकल के आए कि जो फंडामेंटल जो ऑब्जर्वेशन इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस की वो होती है फॉर्मेशन ऑफ हिट्रोडुप्लेक्स क्या फॉर्म होता है डेट इज द कंबिनेशन प्रोडक्ट हैव ए रीज़न विथ वन स्ट्रेंड फ्रॉम वन क्रोमोजोम एंड द कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंड फ्रॉम द अदर क्रोमोजोम थर्स जो रिकम्बिनेशन है वो सिंपल कट एंड पेस्ट ऑपरेशन नहीं है अन द ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट मोलिक्यूल बाय

तो ये जो यहाँ पे तो यहाँ पर जो स्पोम फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग म्यूसिस जैसे है पहले फिर मीसिस फॉर्म के थ्रू जो यहाँ पे स्पोर फॉर्म हो रहा है जो एसकेस की फॉर्म है वो क्या फॉर्म कर रहा है जेनेटिक कंपोजिशन जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो क्रोमोजोम है यहाँ पे अटेड की फॉर्म में प्रेजेंट है पैटर्नल मेटर्नल क्रोमोजोम है जो ये पिंकश और रेडिश कलर में एक ब्लूइश कलर में है तो ये पैटर्नल जो क्रोमोजोम है ये यहाँ पे कम्बिनेशन में शो रहे हैं फोर फोर के कम्बिनेशन में फोर रेड है और फोर ब्लू है तो ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे ये शो कर रहे हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस और जेनेटिक रिकम्बिनेशन तो मियोसिस के बाद जब मियोसिस प्रोड्यूस हो गया और टेटरेड हो गया जिसमें थ्री ब्लू सॉरी फोर ब्लू थे और फोर रेड थे नॉर्मल रेशो हो गया मतलब उतना ही पेरेंटल जो है रीजन प्रेजेंट है उतना ही पेरेंटल पोलिपैपाइड प्रेजेंट है और उतना ही मेटरनल पोलिपेप्डाइड प्रेजेंट है तो ये फोर फोर रेशो में आगे नॉर्मल हो गया यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग पर जब उसके बाद रेप्लीकेशन हुआ और माइटोसिस हुआ तो उसमें रेशो फोर फोर की बजाय थ्री रेशो फाइव आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है कि एक जो यहाँ पे क्रोमोसोम है फोर एन में डिप्लोइड में उसमें क्रोमोसोम में जो एक पोलीपेप्टाइड चेन है वो ब्लू ना होकर रेड है इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है थ्री मतलब फोर माइनस वन हो गया क्योंकि जो फोर यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी ब्लू कलर की और यहाँ पे ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव एलील के लिए और वाइल टाइप के लिए वो रिप्लेस कर दी गई म्यूटेंट के थ्रू जिसकी वजह से यहाँ पे फोर माइनस वन हो रहा है मीन्स थ्री ब्लू जो स्पोर है वो इस किस्में प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे जो है इस वजह से जो और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ रही है रेड एल आ रही है है ना और इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है फाइफ आ रही है रेड Uh, तो ये रेशो नया फॉर्म होता है यहाँ पे थ्री रेशो फाइव तो जब इस रेशो को फिर इस फिनोटाइप को डिटेक्ट किया जाता है तो ये एनालिसिस होता है कि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ है हिट्रोडोप्लेक्स फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से थ्री रेशो फाइव आया है ना कि फोर रेशो व, फोर आया है तो अदर जो रीजन है हिट्रोडोप्लेक्स का डेट इज़ एसोशिएटेड विद रिकम्बिनेशन बिटवीन दीज क्रोमोजोम बिटवीन दीज क्रोमजम अदर जो जीन है जो फ्लैंक करता है रीजन कोट्रोडोप्लेक्स के वो इस पिक्चर में यहाँ पे शो किया गया है वो ये कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है लली की इन फ्लैंकिंग जीन्स में फ्लैंकिंग जीन्स जो यहाँ पे यहाँ से दूसरे में रिकम्बिनेशन के थ्रू मूव कर गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्चुअल रेशियो है फोर 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 ब्लू का फोर रेड का वो ना हो थ्री रेशियो फाइव में आ रहा है तो ये जो फ्लैंकिंग जीन ये चेंज हो गए हैं फ्रॉम डेट ऑन द पेरेंटल क्रोमोसोम और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक रिकम्बिनेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जैसे अगर हम रीज़न ले यहाँ पे हिड्रोडोप्लेक्स का रीजन लेते हैं इसमें क्या है हमारा जीन बी है वो किसके थ्रू फ्लैंक्ट करा गया है ए के थ्रू बी रीजन यहाँ पे किसके थ्रू फ्लैंक्ट किया गया है ए के थ्रू फ्लैक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे ए प्रेजेंट था और ये जो ए क्रोमोसोम था यहाँ पे वो किसके थ्रू आ गया है यहाँ पे बी बी पॉजिटिव आ गया है ना यहाँ पे म्यूटेंट ए वाला जो हमारा क्रोमोजोमल स्ट्रैंड है उसमें बी पॉजिटिव आ गया है थ्री के थ्रू तो फ्लैंकिंग क्या हुई है एक का जो क्रोमोजोम है वो फ्लैंक किया गया है बी के थ्रू और है ना बी फ्लैंक करता है ए को इन द लेफ्ट और सी जो है ऑन द राइट जैसे कि जो दूसरा जो स्ट्रैंड है दूसरे क्वेश्चन जो फ्लैंक करता है तो इसकी वजह से यहाँ पे नया कम्बिनेशन उभर के आ रहा है तो ईच ईचिन हैज़ ए ब्लू एल एंड ए रेड एल जिसकी वजह से जो क्रोमो जो जो पेरेंटल क्रोमोजोम है उसमें रिकम्बिनेशन की वजह से फोर फोर रेशो ना हो गए थ्री रेशो फाइव आ रहा है या फिर टू रेशो फाइव आ रहा है टू डुप्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से जैसे यहाँ पे देखें कि हम टू रेशो सिक्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि वन एलील जो है जो पहले क्या थी ब्लू थी वो चेंज हो गई है अदर एलील रेड से जैसे कि यहाँ पे ब्लू थी वो रेड से चेंज हो गई है किसके थ्रू जीन कन्वर्जन के थ्रू रिकम्बिनेशन के थ्रू ही हिटोडोप्लेक्स फॉर्म होगा तभी ये जीन रिकम्बिनेशन होगा तो ये फ्लैंकिंग मार्कर्स की के बीच भी, भी, में हो रहा है ये रिकम्बिनेशन और ये स्विचिंग तो इस जैसे हीट्रोडुप्लेक्स में होती है तो जो रीज़न है जीन का जो कन्वर्ट हो गया वो किससे एसोसिएटेड है रिकम्बिनेशन के और ये के रेशो दे रहा है टू रेशो सिक्स दे रहा है ना कि फोर फोर रेशो दे रहा है तो ये एक मॉडल है रिकम्बिनेशन का और ये हमारे इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है कि हिट्रोडुप्लेक्स फॉर्म होता है क्योंकि नॉर्मल रेशो ना आने के बजाय यहाँ पर थ्री रेशो फाइव आता है टू रेशो सिक्स आता है और वो क्यों आता है फ्लैंकिंग जीन की वजह से आता है कि जो जीन है वो फ्लैंक आउट कर जाते हैं और रिकम्बाइन कर जाते हैं और वो जीन कन्वर्जन की वजह से होता है रिकम्बिनेशन के टाइम पे कि ये जो रेशियो है ये एक्चुअली फोर फोर ना हो, के डिफरेंट आ रहा है डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन लिंकेज क्या है वो एक क्रोमोजोम है उसके जो जीन है उनके बीच में होता है पर जो यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है दो होमोलोकस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के बीच में होता है ये डिफरेंस है लिंकेज में और रिकम्बिनेशन में जो रिकम्बिनेशन है वो किस में होता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है ये जो लिंकेज है वो किसके थ्रू होता है ये भी स्नेपसिस जो फॉर्म होता है और क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस जो होती है उसी के थ्रू होता है क्योंकि यहाँ पे जीन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ ये यह ओके और होता है म्योसिस फर्स्ट में पैकेट स्टेट में तो ये भी इसी स्टेट में होता है उसी टाइम पर यह होता है बस प्रोसेस में डिफरेंस है कि यहाँ पर जीन लिंकेज वो है कि दो जीन कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से पर जो रिकम्बिनेशन है उसका मतलब है कि दोनों सिस्टम जो क्रोमेटेड है वो एक्सचेंज हो रहे हैं बस ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे दो तो, तो जीन है जो एक दूसरे के पास में बिल्कुल पास में जो लोकेटेड होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस है मैप डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है तो इसको बोलते हैं हम कि जीन क्या है लिंक्ड है और ये मेंडल के सेकेंड लाभ को ऊबे नहीं करता और जो लिंकेज है वो टू टाइप का होता है कंप्लीट लिंकेज जब जीन जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं और क्लोजली लोकेटेड uh, होते हैं तो वो क्रोशिंग ओवर शो नहीं करते कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं इसकी वजह से रो नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी आती है इसीलिए जो रिकम्बिनेशन है कंप्लीट लिंकेज में नहीं होता क्योंकि जो जीन जो है वो साथ में ट्रांसफ़र होते हैं इस वजह से नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी आती है और रिकम्बिनेशन नहीं होता कंप्लीट लिंकेज के केस में इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है जब जो जीन है वो एक क्रोमोसोम में डिस्टेंटली लोकेटेड है तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है और इसकी वजह से क्या होता है नए कायमेरिक डीएनए और नई प्रोजेनी और नया जीनोम क्रिएट होता है प्रोजेनी में तो तो जो टेन्स टेस्टिंग है इनकम्प्लीट लिंकेज की वो टेस्ट क्रॉस के थ्रू की जाती है फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है हीड्रोजाइगस है, दो करैक्टर के लिए वो क्रॉस किया जाएगा विद ए प्लांट दैट इज़ रिसेसिव फॉर दैट पर्टिकुलर करैक्टर इस टाइप का जो क्रॉस है वो प्रोड्यूस करेगा दो रिकम्बिनेंट गैमेट और दो नॉन रिकम्बिनेंट गेमेट जैसे अगर हम एग्जाम्पल मैन में माल जो मैन में होती है वो लिंक्ड लिंक जेनेटिक मार्कर और वो जेनेटिक मार्कर एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट होते हैं और जो कलर है ऑफ प्यू, फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्लो फ्लाई में तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं लिंकेज की इनकम्प्लीट लिंकेज की हम स्टडी कर सकते हैं टेस्ट करो के थ्रू अकॉर्डिंग तो टू तो जो हमारी जो एलिल्स होती हैं जो लिंग रज में वो लोकेटेड होती है होमोलोगस क्रोमोजोम पे तो वो उनकी दो डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है एक सिस कॉन्फिग्रेशन होती है एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस जब होती है जब दो डोमिनेंट एलिल्स जो हैं वो एक ही क्रोमोजोम पर लोकेटेड है मतलब जो ये हमारा जो है एक ही क्रोमोजोम पर लोकेटेड वो सिस है पर एक यहाँ पे एक यहाँ पर तो वो ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होती है फिर रिकम्बिनेशन की हमने बात कर ली कि भी हमारा रिकम्बिनेशन क्या होता है और वो तब रिकम्बिनेशन नहीं होता जब हमारा कंप्लीट क्या होता है लिंकेज होता है फिर आती है लिंकेज जो है उस वो दो मेन टाइप का होता है इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटरक्रोमोजोमल इंट्राक्रोमोजोमल का मतलब है कि बिटवीन टू जीन्स हो रहा है जो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है डेट एग्जांपल है क्रॉसिंग ओवर ऑफ प्रोफेज ऑफ म्यूसिस वन और जब इंटरक्रोमोजोमल का मतलब है कि जो रिकम्बिनेशन हो रहा है वो जीन्स के बीच में हो रहा है जो डिफरेंट क्रोमोजोम में प्रेजेंट है जैसे इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट ऑफ एनाफेज ऑफ म्यूसिस वन ये एनाफेज का एग्जाम्पल है ये प्रोफेज का एग्जाम्पल है सॉरी इंट्रा जो है वो हमारा प्रोफेज का एग्जाम्पल है और इंटर जो है वो हमारा एनाफेज का एक है और रिकम्बिनेशन को हम कैसे डिटेक्ट uh, करते हैं रिकम्बिनेशन फ्रीकेंसी के थ्रू रिकम्बिनेशन फ्रीकेंसी क्या होती है नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स इन ए प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू फन हंड्रेड ये परसेंटेज निकल जाते हैं रिकम्बिनेशन की और जो लिंकेज है रिकम्बिनेशन है वो यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक मैप और लिंकेज एनालिसिस के लिए इसका मतलब है कि जो जीन है उनकी मैपिंग की जाती है जीन की मैपिंग का मतलब है कि जीन कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है और वो क्रॉस ओवर करेंगे या नहीं करेंगे क्या प्रोजीनी देंगे क्या नहीं देंगे तो उसकी स्टडी करने के लिए लिंकेज का और रिकम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है ज कम उन्न द एडवांटेज ऑफ रिकम्बिनेशन रिकम्बिनेशन की क्या एडवांटेज होती है जैसे अगर हम देखें कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो रही है तो कौन अडेप्ट कर पाएगा कौन सर्वाइव कर पाएगा जिसका मेटाबोलिजम अच्छा होगा है ना जो उस कंडीशन में अडेप्ट कर जाएगा तो अगर रिकम्बिनेशन नहीं होगा तो डायवर्सिटी क्रिएट नहीं होगी डायवर्सिटी क्रिएट नहीं होगी तो कॉन्टीन्यूसली वही जीन चलते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन इन ऑफ तो कोई भी अडेप्ट नहीं कर पाएगा और सब डेड हो जाएंगे कोई तो हमारी डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी तो कोई लाइफ बचेगी ही नहीं तो रिकम्बिनेशन क्या करता है डाइवर्सिटी क्रिएट करता है इसकी वजह से डाइवर्सिटी होने की वजह से न्यू जीन आते हैं न्यू रिकम्बिनेशन फॉर्म होता है इवोल्यूशन होता है तो नेचर उसी को नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो न्यू है और जो उस कंडीशन में अडेप्ट कर सकता है तो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है री रिकम्बिनेशन डाइवर्सिटी क्रिएट करके तो जो रिकम्बिनेशन यहाँ पर जो पिक्चर शो किया गया वो रिकम्बिनेशन शो करिए म्यूसिस के टाइम पर जिसकी वजह से नया कम्बिनेशन आ रहा है एलेल का जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये पैटर्नल है और ये मेटरनल है इसमें ए है बी थ्री सी वन ए थ्री बी वन सी थ्री ए वन बी टू सी टू ए टू बी वन और सी फोर ये उनका जीनोम है कि उनमें ये एल एल प्रेजेंट है उनके क्रोमोजोम में इसका ये होमोलोगस क्रोमोजोम है इसका ये होमोलोग क्रोमोजोम है इसका ये कॉम्बिनेशन इसका ये कॉम्बिनेशन है पर क्या होता है उनमें क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जब सेल्डी जो म्यू मियोस, म्यूसिस होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाती है यहाँ पे हमारा आ, क्या हो रहा है ए वन आर ए बी टू आर एपर जो सी टू है और सी फोर है इसमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे चाइल्ड में सी फोर आ गया और मेटरनल में यहाँ पे ए वन और ए थ्री के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ए थ्री आ गया फिर बी थ्री एंड सी वन आ गया तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है एक रिकम्बाइंड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें क्या है ना तो पैटर्नल जैसे है इसका जिनोम ना मेटरनल जैसा है इसका एक न्यू जीनोम है मीनस एक नया डाइवर्स जिनोम है इसका डाइवर्सिटी शो कर रहा है सिमिलर नहीं है हर इन जैसे हम बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंबिनेशन के थ्रू ज्यादा वेरिएशन आती है पर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या आती है वेरिएशन आती है तो यहां ये जो वेरिएशन है ये क्या कर रहा है अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रहा है उस ऑर्गेनिज्म की टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन और नेचर उसको सिलेक्ट करेगी अगर वो फेवरेबल होगा तो रिकम्बिनेशन क्या करता है रिकम्बिनेशन सेपरेट करता है एलिल्स को एट वन लोकस फ्रॉम एलिल एट ए लिंक्ड लोकस एक क्रोमोसोम जो जनरेशन टू जनरेशन फिक्स नहीं रहता बट वो एज ए फ्लूड एक्ट करता है मतलब वो उसमें बहुत सारी डिफरेंट कम्बिनेशन होता है एलिल्स का जिसकी वजह से वो नया कम्बिनेशन फॉर्म करता है जैसे इस हम चाइल्ड में देख सकते हैं तो ये क्या करता है कुछ नॉन फंक्शनल एल भी प्रोड्यूस करता है एक पॉपुलेशन में कुछ फंक्शनल और एडवांटेजियस एलिल भी प्रोड्यूस करता है तो जो नॉन फंक्शनल है वो नेचर नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्लियर आउट कर दी जाती है पॉपुलेशन के थ्रू पर जो हमारी यहाँ पे फंक्शनल एल होंगी वो पॉजिटिव नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या कर दी जाएंगी सेलेक्ट कर दी जाएंगी तो यहाँ पे जो म्यूटेंट एलील है वो सेपरेट करी जाती है अदर जीन से ओन डेट क्रोमोजोम तो नेगेटिव सिलेक्शन जो है रिमूव कर देता है डिफेक्ट एलेन्स को एक जीन की एक पॉपुलेशन से वाइल द अफेक्टिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील ओनली ऑफ जीन इन टाइट लिंकेज टू द म्यूटेंट जीन और जो रेयर बेनिफिशियल एलील हैं जीन की वो टेस्ट करी जाती है इन ए पॉपुलेशन विदाउट बींग रिवर्सबली लिंक टू एनी पोटेंशली डिलीटियस म्यूटेशन म्यूटेंट एलील ऑफ नियर बाई जीन तो इसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव टारगेट साइज है म्यूटेशन का वो क्लोज है किसके उस पर्टिकुलर जीन के ना कि होल क्रोमोसोम के तो यहाँ पे ये एक बिग रोल प्ले करता है सर्वाइवल में और नई वैरायटी लेके आने में और इवोल्यूशन प्रोसेस में द पा टाइप्स ऑफ रिकम्बिनेशन मेनली फोर टाइप्स के होते हैं रिकम्बिनेशन जो फर्स्ट है हमारा वो होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जिनमें सिमिलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है सिमिलर सीक्वेंस किस में होगा होमोलोगस क्रोमोजोम में होगा जैसे पैटर्नल मेटरनल क्रोमोजोम्स होते हैं उनमें जो जीन्स हैं उनका जो सिक्वेंसिंग वो हो रखे होते हैं वो सिमिलर होते हैं मीन्स जो जीन है उनकी जो लो, लोकाई है जो उनका लोकस है वो क्या होता है सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और सिमिलरली सिमिलर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को कोड करने वाले जीन्स डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम में तो ये मोस्टली डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो वहाँ पर डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म में जो रिकम्बिनेशन होता है वो होमोलोगस टाइप का रिकम्बिनेशन होता है नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन जो है वो नाइनटीन में दिया था म्यूरे एंड हैबर ने इन नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन को नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिकम्बिनेशन पाथ भी बोल बोलते हैं जो डी डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो क्रिएट होते हैं डीएनए में डीएनए एन एयर मैकेनिज्म के टाइम पर उसमें क्रिएट होता है उस टाइम पे होता है नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन तो इसमें जब ये हमारा होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग तो ये रिफ़र किया जाता है नॉन होमोलोगस क्योंकि जो ब्रेक होता है वो बिकॉज द ब्रेक एंड्स आर डायरेक्टली लाइगेटेड विदाउट द नीड ऑफ़ ए होमोलोगस टेम्पलेट क्योंकि इसमें जब वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हैं उनको लाइगेट करने के लिए यहाँ पर टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती और नॉन होमोलोगस रिक कम्बिनेशन जो है वो उन रीजन्स में होता है जहाँ पे लार्ज स्केल सीक्वेंस सिमिलरिटी जो है वो अपेरेंट होती है जैसे अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की ट्रांसलोकेशन बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम और डिलीशन डेट रिमूव सेवरल जीन एलोंगे क्रोमोसोम वो एग्जाम्पल होंगे किसके नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन के बट कई बार जो क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है ब्रेक पॉइंट पे इन इवेंट्स के वो एनालाइज किए जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट रीज़न मिलते हैं सीक्वेंस सिमिलरिटी के इन केसेस में नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन तो जो रिकम्बिनेशन है दो सिमिलर जीन्स के बीच में उसमें सेवरल बिलियन बेसपेयर हो अपार्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं अप, आ, आ, और गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बहुत डिलीशन क्रिएट होता है इंटरवीनिंग जीन्स में सोमेटिक सेल्स में इन केस ऑफ हो, होमोलोगस रिकम्बिनेशन अगर हम बात करें साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की जो होता है सेगमेंट्स में डेट शो सम एक्सटेंड ऑफ सिक्वेंस सिमिलरिटी मीन्स अगर हम बात करें साइड स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की तो ये पर्टिकुलर शॉर्ट सिक्वेंस में होता है और वो शॉर्ट सिक्वेंस होते है ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर बेस पेयर लोग प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होते हैं डी सिमिलर पेरेंटल मोलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं तो यहाँ पे मेनली साइड स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन जो है वो एक एंजाइमेटिक मशीनरी कंसिस्ट करती है बेसिकली वन एंजाइम और एक एंजाइम सिस्टम जो परफॉर्म किया जाता है डीएनए रिपेयर सिस्टम में जहाँ पे साइड स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन करना होता है तो गुड एग्जाम्पल इसका है इंटीग्रेशन ऑफ सम बैक्टीरियो फेज सच इज़ आई इंटू ए बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड द अरेंजमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन इन वर्टिबेट एनिमल्स ये एग्जाम्पल है साइड स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के फिर थर्ड टाइप जो रिकम्बिनेशन होता है वो होता है रेप्लीकेटिव रिकम्बिनेशन इसको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के थ्रू किया गया रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं दिस पिक्चर हेयर शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिकम्बिनेशन अगर हम यहाँ पर बात करें होमोलोगस रिकम्बिनेशन की तो यहाँ पर ईच होमोलोग जो है वो शो किया गया ये ब्लू कलर में और वॉलेट कलर में डिफरेंट कलर्स में, कलर में यहाँ पे डिफरेंट शेड शो की शो की गई हैं तो यहाँ पे डिफरेंट एल्स प्रेजेंट है थ्री जीन्स के लिए तो जो अब रिकम्बिनेशन होती है यहाँ पे जीन ए के बीच में एंड बी के बीच में जीन ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है रिकम्बिनेशन जिसकी वजह से रेसिप्रोकल एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का और वो चेंज कर रहे हैं अरेंजमेंट एलियल्स की जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ए पॉजिटिव बी और सी आ रहा है तो ए और बी के बीच में यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो रहा था होमोलोगस रिकम्बिनेशन सेकेंड पिक्चर यहाँ पे जो शो करी है वो नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन शो करी है जिसमें दो डिफरेंट क्रोमोजोम हैं जो रिकम्बाइन कर रहे हैं और मूव मूव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो जीन सी है मूव कर मूविंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जीन सी सो डैट इट इज़ नाउ ऑन द सेम क्रोमोजोम एज जीन डी एंड ई जो यहाँ पे डी ई एफ है वो सी के थ्रू मूव आउट कर दिया गया है और रिमूव कर दिया गया है और रिकम्बाइन कर दिया गया तो यहाँ पे डी ई सी जो है वो सेम क्रोमोजोम पे आ गया है और ए बी एफ जो है वो सेम क्रोमोजोम पर आ गए हैं तो यहाँ पर जो क्रोमोज़ोम है डिफर कर रहे हैं उनकी लेंस में और जो सेगमेंट है एट द साइड ऑफ रिकम्बिनेशन दे रिलेटेड डिनोटेड बाय द येल्लो एंड ऑरेंज कलर तो जहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है वो साइड्स यहाँ पे रिलेट करके शो की गई है फिर सेकेंड है साइड स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन जिसकी वजह से दो डिफरेंट डी एन ए मोलिक्यूल्स यहाँ पे क्या आए हैं क्रिएट हुए हैं जैसे अगर हम यहाँ पे देखें बैक्टीरियो फेज आई की बात की गई है जिसमें इंटीग्रेट कर रहा है कोलाई के कोली क्रोमोजोम के साथ कोलाई कोली क्रोमोजोम के साथ इस रिएक्शन ये दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम जो रिकॉग्नाइज करता है एक शॉर्ट सिक्वेंस दो जो दोनों में प्रेजेंट है फेज डी में भी और बैक्टीरियल ई कोलाई बैक्टीरियल क्रोमोजोम में भी जो कोलाई क्रोमोजोम है ई e. कोलाई क्रोमोजोम है उसमें भी प्रेजेंट है वो सेम सीक्वेंस इसलिए इसको क्या कह रहे हैं वही साइट स्पेसिफिक क्रोमोसोम बोल है जिसकी वजह से ये जो साइट है लेमडा में एटीटी और एटीटी ये इनमें यहाँ पे रिकम्बिनेशन आ गया है और एक रिकम्बिनेंट मोलिक्यूल यहाँ ने प्रोड्यूस किया फिर सेकंड यहाँ पे है रेप्ली जो लास्ट चवन है वो है रेप्लीकेटिव रिकम्बिनेशन रेप्लीकेटिव रिकम्बिनेशन यहाँ पर शो किया गया है ट्रांसपोज इज एंडजाइम्स के थ्रू जैसे ट्रांसपोजोन्स में होता है वैसे ही शो किया गया है कि यहाँ पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट था ए और बी जीन के बीच में फिर वो रेप्लीकेट होके यहाँ पे बी और सी के बीच में आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है हमारे डिफरेंट मिक्सचर क्रिएट होते हैं जीन्स के इन डोटर सेल्स सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट रिकम्बिनेशन इंट्रोडक्ट्री पार्ट सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज थम्स अप एंड इफ़ यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू हैव एन इक्वेरी देन प्लीज़ राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़